तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एप्सन प्रिंटर में फ़ोटो प्रिंट कैसे करते हैं। मैं 4x6 में फ़ोटो प्रिंट करके दिखाऊंगा एप्सन फ़ोटो प्लस से। तो यहां पर दो सॉफ्टवेयर हैं, एप्सन इजी फ़ोटो प्रिंट और एप्सन फ़ोटो प्लस। एप्सन फ़ोटो प्लस में बॉर्डरलेस और बॉर्डर प्रिंटिंग दोनों होती है, जबकि एप्सन इजी फ़ोटो प्रिंट में सिर्फ और सिर्फ बॉर्डरलेस प्रिंटिंग होती है। तो मैं अभी एप्सन फ़ोटो प्लस से ही प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो अब मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। और हाँ, ये एप्लीकेशन आप सोच रहे होंगे कहां से मिलेगा, तो जब आप प्रिंटर ख़रीदते हैं तो प्रिंटर के साथ जो सीडी मिलती है तो उसको जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने एप्सन फ़ोटो प्लस को ओपन कर लिया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर फ़ोटो का आता है, तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां से साइज़ चूज़ करेंगे, जिस भी साइज़ में आपको फ़ोटो को प्रिंट करना है। तो मैंने 4x6 चूज़ कर लिया है। तो यहां पर देखिए फ़ोल्डर का ऑप्शन आ जाता है, जिस भी फ़ोल्डर से आपको फ़ोटो लेनी है वहां से आप ले सकते हैं। तो मैं एक फ़ोटो को चूज़ कर लेता हूं और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से फ़ोटो ओपन हो जाएगी, राइट साइड में सेटिंग्स मिल जाएंगी। आप सेटिंग को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेआउट में बॉर्डरलेस या बॉर्डर करना चाहते हैं, मीडिया टाइप में कौन सा पेपर लगाना चाहते हैं, प्रिंट क्वालिटी आप स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं या हाई रखना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा। तो मैं अभी फ़ोटो पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। राइट साइड में यहाँ पर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो कंप्यूटर में जो फ़ोटो दिखती है वो अच्छी दिखती है, लेकिन जब आप उसको निकालते हैं तो थोड़ी डार्क निकलेगी, तो इसलिए ब्राइटनेस को आप बढ़ा दीजिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइटनेस रखने की, ताकि फ़ोटो जब आप प्रिंट करें तो एकदम से वो क्लियर आए। तो मैं यहाँ पर पहले से ही फ़ोटो को एडिट किया हुआ हूँ, तो मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। ब्राइटनेस बढ़ा देने के बाद से आप फ़ोटो के साइड में डार्क एरिया जो है उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। और राइट साइड में नीचे की तरफ आप देखेंगे स्टार प्रिंटिंग का ऑप्शन है, उसके ऊपर कॉपी का ऑप्शन है, जितनी भी कॉपी आप निकालना चाहते हैं उतनी कॉपी आप निकाल सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इसको आप जब यूज़ करेंगे तो इसको अपने हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ उसका यूज़ नहीं है। मेन जो सेटिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टाम्प का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो की डेट यहाँ पर लिख के आ जाएगी, जिस भी डेट को आपने फ़ोटो खींची होगी। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो की डेट भी लिख के आ रही है फ़ोटो के नीचे। उसके बाद से स्टार्ट प्रिंटिंग में क्लिक करेंगे तो प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो प्रिंट होने में फ़ोटो काफ़ी टाइम लगता है, स्टैंडर्ड में करेंगे तो जो टाइम लगेगा उसके मुकाबले हाई क्वालिटी में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड में किया हुआ है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और ये फ़ोटो पेपर VMS का है 4x6, इसको मैंने 100 रुपये में लिया था, 100 रुपये में एक पैकेट मिलती है जिसमें 100 शीट्स होती हैं। तो ये देखिए फ़ोटो प्रिंट अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, फ़ोटो की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आई हुई है, और स्टैम्प भी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा डेट का। तो इस तरह से आप अपने एप्सन के प्रिंटर में फ़ोटो प्रिंट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं।